सबसे पहले यहाँ पे आए हुए जितने भी उपस्थित मेंबर्स और जो अतिथिगण आए हैं, उन सबका मैं अपनी संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी दूर कुछ लोग काफ़ी ट्रैवल करके दिक्कतों के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनका मैं तहे दिल से संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ मैं कुछ उपलब्धियाँ, जैसे देखिए काम तो ह्यूमन राइट्स पे हम लोग कर ही रहे, रेगुलरली हम ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, ये सब काम हमारे एक्टिविटी हो ही रही है, लेकिन अब तक जितना मैं कर सकता था अकेले के दम पे उतना करते हुए मैं इतने सालों में संगठन को यहाँ तक लेके आया हूँ। आज 11 साल में ये प्रोग्रेस है कि पूरे भारत में 36 राज्यों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चार देशों में हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं कुछ एक ज़रूरत है आप लोगों के साथ की, और वो साथ मिलेगा तो मैं एक मॉडल आपको दिखाना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद हमने रख दी है, लेकिन आप लोगों को पता होगा तो आगे जाके आप अपनी टीम्स को बता पाएंगे। सुनील जी, ये हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो गुजरात में बनने जा रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी पेपर अलॉट हो गई है और कम्प्लीटली लैंड की प्रोसीजर गुजरात गवर्नमेंट दे रही है हमको लैंड, और एंडिंग प्रोसीजर पे है, तो ये किसी भी वक्त आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या प्रावधान किए हैं। तो इसमें डाइनिंग हॉल, ओल्ड एज होम, चिल्ड्रन होम, और ब्लर क्यों हो रहा है, चिल्ड्रन होम, डिस्पेंसरी, योगा सेंटर, स्टाफ रेसिडेंसी, नेचुरोपैथी सेंटर, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल हाउस, सोलर प्लांट, कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी, स्टोर, एडमिन ऑफिस, वाटर टैंक का एरिया है और बस वाटर टैंक। तो ये पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरा कंसेप्ट है जो पहला गुजरात में बनने जा रहा है, और ये पूरा मॉडल हमने यूज़र प्लान गवर्नमेंट में भी सबमिट किया हुआ है। और ऐसे सेंटर्स, मेरी एक ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है कि इस तरीके के सेंटर पूरे भारतवर्ष में हमारे बने, जिससे कि हमारी संगठन को एक प्रॉपर इम्पैक्ट मिलेगा, आगे आने वाले दिनों में हम और अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि कार्य करने के साथ कार्यक्रम भी करने पड़ते हैं और कार्यक्रम के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके के सेंटर काफ़ी हद तक लोगों को मदद करेंगे, लेकिन इसके साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि जब हम ऐसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अक्सर एक ह्यूमन नेचर है, एक सवाल हमेशा आता है लोगों के मन में कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कुछ किया है, कि संगठन यहाँ तक पहुँची है, आप सब अलग अलग प्रांत से आए हैं, तो पूरा भारतवर्ष हमारा है। तो इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि ये मत सोचिए कि ये प्रोजेक्ट गुजरात में, अगर आप कंधे से कंधा मिला के मुझे साथ देंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मदद लगेगी और वो आर्थिक मदद आप लोगों के सहकार के बिना नहीं हो सकता, इसलिए कंधे से कंधा मिला के आज आप गुजरात के लिए साथ देंगे, मैं आपको वादा करता हूँ 5 साल के बाद 36 राज्यों में हमारे ये सेंटर तैयार होंगे, लेकिन ये आपके सहकार के बिना नहीं होगा। जिस तरह मैंने भेदभाव नहीं रखा, पूरे भारत को आज हम ह्यूमन राइट के ऊपर अवेयर करते हैं, क्या है ह्यूमन राइट समझाते हैं, उसी तरीके से आपको ये नहीं सोचना है कि ये गुजरात में बनेगा, क्योंकि अगर मान के चलो हम अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे, तो एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, होंगे 8 से 10 प्रोजेक्ट चलेंगे लेकिन बीच में ही अधूरे छूट जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ अधूरे रहे, क्योंकि अगर आज एक स्टेट में भी एक मॉडल रेडी होगा तो हमारे 36 राज्य बताएंगे कि हमारा एक मॉडल तैयार है, और हम पूरे भारतवर्ष में 5 वर्षों के अंदर इस तरीके के मॉडल तैयार करेंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिससे जो बन पड़े, जिससे जो मदद हो,
उस तरीके से आगे बढ़ के, क्योंकि मेरा काम यहाँ ख़त्म हुआ, अब आपका काम है यहाँ से शुरू होता है, और आपके सहकार के बिना ये आगे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।